हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मोदक। और मोदक गणेश जी का बहुत ही प्रिय प्रसाद है। और ट्रेडिशनली जो मोदक है, चावल के आटे में और नारियल की स्टफिंग भर के बनाते हैं, लेकिन हम ये मोदक बनाएंगे बेसन से। और ये मोदक भी आपको बहुत पसंद आएगा। ऐसे भी बेसन की लड्डू गणेश जी को बहुत पसंद है। हेलो, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल ज्योतिका की रसोई। सबसे पहले हम 1 कप बेसन लेंगे और बेसन को अच्छे से छान लेंगे। छानने से गुठलियाँ भी ख़त्म हो जाता है और इसमें जो गंदगी होता है वो भी हट जाते हैं। तो हम इस तरह से 1 कप बेसन को छान के ले लेंगे। अभी एक पैन लेंगे और पैन में डाल देंगे 1/2 कप घी। और हमने 1 कप बेसन लिया है और 1/2 कप घी डालेंगे। ये देसी घी है। और घी को मेल्ट होने देंगे और ये जो बेसन लिया था हमने, बेसन को हम इसमें डाल के भून लेंगे। बिल्कुल लो फ्लेम में भूनना है, फ्लेम लो करके भूनना है और अच्छे खुशबू आ जाए तब तक भूनना है। ये हमने अच्छे से भून लिया है, ये आप देख पा रहे हैं। ये देखिए, कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया है और ये पहले से लाइट हो गया है, पतला हो गया है। अभी हम गैस बंद कर देंगे, इन्हें हम साइड में रख लेंगे। अभी हम सासनी बना लेंगे। सासनी बनाने के लिए मैंने लिया है 1 कप चीनी और 1 कप पानी। और इन्हें हम हाई फ्लेम में पहले बॉईल करेंगे। चीनी और पानी को अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर एक तार की सासनी जब तक बन जाए तब तक हम पकाएंगे। ये देखिए, एक तार की सासनी बन गई है, एक तार बन गया है। अभी हम गैस बंद कर देंगे और इन्हें अभी साइड में रख लेंगे। अभी हम बेसन जो भून के रखा था इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून मिल्क पाउडर और 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर। और इसमें हम धीरे धीरे करके जो चाशनी हमने बनाया था ये हम पोर कर देंगे, डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे। धीरे धीरे मिक्स करना करना है। और ये मिक्स करते करते जैसे ये गूथने लग जाएगा तब तक हमें इन्हें मिलाना है। और 1-2 मिनट के लिए हम गैस पे भी गरम करेंगे। हमने कढ़ाई को गैस पे रख लिया है और 2 से 3 मिनट के लिए हमें दोबारा कुक करना है। बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, 2-3 मिनट के लिए हमें लगातार चलाते हुए कुक करना है और गैस को बंद कर देना है। इस तरह से कुक करना है। गैस बंद कर दिया है। कढ़ाई को भी हमने पैन को भी नीचे रख लिया है। और इन्हें हम लगातार चलाते हुए ठंडा करेंगे। जैसे जैसे ये ठंडा होते जाएगा ये गूथते जाएगा। ये देख पा रहे हैं आप, ये गूथने लग गया है डो की तरह। और इस तरह से थोड़ा हल्का गुनगुना रहेगा तो हम मोदक बना लेंगे। ये काफ़ी टाइट हो गया है। मोदक बनाने के लिए इस तरह से मोल्ड मार्केट में मिल जाते हैं। अभी हम घी से ग्रीस कर लेंगे मोदक मोल्ड को। अभी मोल्ड के ऊपर हमने बादाम लगा लिया है। और बादाम लगाने के बाद ये जो मिश्रण हमने बना के रखा था इसमें मोल्ड के अंदर भर देंगे दोनों साइड में से। और इन्हें हम प्रेस कर देंगे, एक्स्ट्रा हटा देंगे। इस तरह से एक्स्ट्रा निकल आता है। तो हम इसे हटाने के बाद हम ये मोल्ड को खोल के मोदक को निकाल लेंगे। ये देखिए कितना बढ़िया मोदक बन के तैयार है। और सभी को इस तरह से बना लेंगे।
हमने सभी मोदक को इस तरह से बना के तैयार कर लिया है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छा मोदक बन के तैयार है। इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, इस गणेश चतुर्थी को आप एक बार ट्राई करेंगे, आपको तो बहुत पसंद आएंगे और आपके गणेश जी को भी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय।